आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है और चैनलों के माध्यम से हमने सुना है कि अनुचित और प्रलोभन देने की, पैसे के करोड़ों की लेनदेन की बात पहले भी कही थी और अभी भी कही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इनसे असंतुष्ट थे, इनकी कार्यशैली से, इनके कामकाज से पूरे राजस्थान में ब्यूरोक्रेट्स हावी था और काम जनप्रतिनिधियों के नहीं हो रहे थे। हमने जो मांगे रखी, जो हमने बातें रखी, कैबिनेट में भी रखी, उन पर माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया। आज ये बात कहते हैं कि करोड़ों के लेन देन की बात हो रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि हम जब बसपा में थे और कांग्रेस जब हमने ज्वाइन की तो हमें कितने पैसे दिए? अशोक जी गहलोत को आम जनता जादूगर कहती है। आज जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हमारे सबके ऊपर, वो इस बात को सिद्ध करता है कि वो वास्तव में जादूगर है। जादूगर के जनता में भ्रम फैलाने की क्षमता होती है। वो जादू में ऐसी चीज दिखा देता है जो हकीकत और होती है और वास्तविकता और होती है। आज उन्होंने जिस तरह से हम लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इससे हमें बड़ा धक्का पहुंचा है, हमें बड़ा दुख है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब पिछली बार उनकी सरकार थी और हमने जब बहुजन समाज पार्टी से जब हम कांग्रेस में आए थे तो हमने उनसे कितना पैसा लिया था?